तो दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी ट्रेड में से कुछ हिडन चार्जेस लगाए जा रहे हैं? ऐसे चार्जेस जिनके बारे में आपको बताया नहीं गया था शुरुआत में, और हर ट्रेड पे वो आपको पैसे देने पड़ते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि वो खर्चे कौन से हैं जो ब्रोकर सामने से नहीं बताता, लेकिन हर ट्रेड में, हर पर्टिकुलर ऑर्डर में आपसे वो चार्ज करता है, और वो क्यों चार्ज करता है ये भी बताएंगे, और स्पेसिफिकली देखेंगे कि किस तरह के ओवरऑल खर्चे आपको हर ट्रेड में देने पड़ सकते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना कदम रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका ब्रोकर उनसे बिना बताए हिडन चार्जेस ले लेगा। कुछ हद तक ये डर सही भी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो ऑलरेडी करते हैं ट्रेडिंग, उनसे लिए जाते हैं, उनको बताया डायरेक्टली नहीं जाता, बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नॉर्म नहीं है। ज्यादातर अकाउंट ओपनिंग के और ब्रोकरेज के खर्चे बताए जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जो ये हिडन चार्जेस है सो कॉल्ड, ये ब्रोकर खुद अपनी जेब में नहीं डालता। काफी सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि पैसा ये लेती हैं हर ट्रेड पे। ब्रोकर जनरली ब्रोकरेज के ऊपर ही डिपेंड रहता है। एक एक करके शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह के खर्चे हैं, बाद में डेमो देंगे। शुरुआत करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के साथ। ये 2004 में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तब की सरकार को लगा कि लोग जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इवेड कर रहे हैं, नहीं दे रहे, तब ये SCT लगाया गया हर ट्रेड के ऊपर। हालांकि मजे की बात यह है कि 2019 में LTCG फिर से वापस आ गया, और आज की तारीख में आप STT भी देते हैं और LTCG भी आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अभी लगता कितना है आपकी हर ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेडिंग सेगमेंट कौन सा है। मान लीजिए कि आप इक्विटी डिलीवरी में कर रहे हैं तो 0.10% लगेगा बाइंग पे, और 0.1% लगेगा सेलिंग के ऊपर भी आपके डिलीवरी ट्रेड के ऊपर। वहीं पे अगर आप इंट्राडे करते हैं तो बाइंग में कोई पैसा नहीं, लेकिन अगर आप सेलिंग करते हैं तो 0.025% लगता है आपकी ट्रेड टर्नओवर का। सिमिलरली फ्यूचर्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कोई पैसा नहीं देना है बाइंग में, सेलिंग में 0.01% लगता है आपकी टर्नओवर का। और ऑप्शंस में अगर आप परचेजर हैं तो 0.125% लगेगा आपकी सेटलमेंट प्राइस का। सेटलमेंट प्राइस क्या है? नंबर ऑफ लॉट्स, और लॉट साइज क्या है? स्ट्राइक प्राइस क्या है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने सेटलमेंट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग करते हैं तो 0.017% लगता है आपके प्रीमियम का। ये नंबर्स को याद रखिएगा, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशन होगी, आपके खर्चे निकाले जाएंगे, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन की जाएंगी। देन यू हैव ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजेक्शन चार्जेस स्टॉक एक्सचेंज लेता है, NSE, BSE, MCX, NCDX, डिपेंडिंग के किस एक्सचेंज के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए NSE के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो डिलीवरी में चाहे इंट्राडे हो, चाहे माफ कीजिएगा, चाहे इक्विटी में, चाहे डिलीवरी हो, चाहे इंट्राडे हो, उसमें 0.0031% लगता है आपके ट्रेड टर्नओवर का, बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी। वहीं पे फ्यूचर्स में अगर आप करते हैं तो 0.00185% लगता है बाइंग एंड सेलिंग। ऑप्शंस में 0.05% लगता है आपके प्रीमियम अमाउंट का इस केस में भी। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया जो स्टॉक एक्सचेंज ले गया। याद रखिए, पहला जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स था वो सरकार लेके जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो है रेगुलेटरी बॉडी हमारा स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE, ये लेके जाता है। देन यू हैव सेबी टर्नओवर चार्जेस। सेबी टर्नओवर चार्जेस नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, सेबी खुद लेता है। सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है भारत की, और इसका फ्लैट है 0.0001% आपकी टर्नओवर का बाइंग और सेलिंग में। हर एक सेगमेंट में ये लेता है, किसी भी सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इतना आपको ये देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी आपकी स्टेट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। पहले ये हर स्टेट का अलग अलग हुआ करता था, अभी ये फिक्स कर दिया गया है। इरिस्पेक्टिव भारत के कोई भी राज्य में से हैं आप, आपको यही चार्जेस लगेंगे, याद रखिए, बताने जा रहे हैं। डिलीवरी में 0.1% आपकी टर्नओवर का, 0.01%, बाइंग एंड सेलिंग में। इंट्राडे में 0.002, फ्यूचर्स में भी यही वैल्यू, ऑप्शंस में भी यही वैल्यू, लेकिन ऑप्शंस में 0.02% जो है वो आपके प्रीमियम का लगेगा बाइंग के समय, और 0.02% आपका नोशनल वैल्यू जो होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन को, तो ये कैलकुलेट किया जाएगा। देन यू हैव GST, अगेन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रेड में से तीन तरह के टैक्स लेती है, कौन से? पहला था सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स,
फिर LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तब काम में आएगा ये। और तीसरा है GST, ये 18% की स्लैब में है और 18% की स्लैब की टर्नओवर का नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी ब्रोकरेज और आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस का जो सम है जितना वो बनेगा उसका 18% जो होगा वो GST अलग से देना पड़ेगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स आप दे रहे हैं सरकार को। देन कुछ और खर्चे भी होते हैं, DP चार्जेस होते हैं, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस हैं ये। अब ये डेपोजिटरीज होती हैं जो आपके डीमेट अकाउंट को स्टोर करके रखती हैं, CDSL और NSDL भारत में दो हैं। ये जो वैल्यू लेती हैं वो है 10 रुपए से लेके 25 रुपए प्रति स्क्रिप, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, हालांकि जो डेपोजिटरी है वो 4.5 रुपए लेती है, 4.5-5.5 रुपए, लेकिन जो ब्रोकर है उसके ऊपर अलग से भी अपने लिए लेता है। तो अब ब्रोकर के पास दो तरह के चार्जेस जाते हैं, एक तो है ब्रोकरेज और दूसरा है आपका डीपी चार्ज। ये हर स्क्रिप्ट पे लगता है, अगर आपने मान लीजिए एक ऑर्डर में 100 स्टॉक खरीदे इन्फोसिस के, 100 स्टॉक खरीदे ICICI के और 100 स्टॉक खरीदे आपने कोटक के, तो आपको 3 स्क्रिप्ट में आपने लगाया, तो 3 × मान लीजिए आपने 15 रुपए दिया है तो 45 रुपए आपको देने पड़ेंगे एज डीपी चार्जेस। देन कॉल एंड ट्रेड चार्जेस होते हैं, अगर आप अपने ब्रोकर को फोन करते हैं और ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं करते तो 20 या 50 रुपए की रेंज में पर ऑर्डर आपसे लिया जाता है। ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस लेते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन को खुद से स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हैं स्पेशली इंट्राडे में तो आपसे ऑटो स्क्वेयर ऑफ के चार्जेस लिए जाते हैं, ये भी करीब 20 से 30 रुपए डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर है, ये ब्रोकर चार्ज करता है। अगर आप मार्जिन उठाते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में आपने जितना मार्जिन उठाया है आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये इंटरेस्ट रेट 12% से शुरू होकर 25% तक जाता है जितना पैसा आपने उठाया है, जितना एक्सपोजर आपने लिया है। ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको पर ईयर देना है और 12 से 25% बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अगर आप पे इन पे आउट मतलब अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा निकाल के बैंक अकाउंट और दी अदर वे अराउंड करते हैं तो आपको 9 रुपीज से लेके 15 रुपीज पर ट्रांजेक्शन देना पड़ सकता है, ये ब्रोकर लेता है, हालांकि इसमें से कट जो है पेमेंट गेटवे को भी जाता है और वो पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो एक तरीके से इतने सारे चार्जेस हैं जो आपकी हर ट्रेड पे लगते हैं और शायद आपको पता ही नहीं था, आपको लगता था कि ब्रोकरेज ही देना है, हालांकि जब इसका सम करते हैं तो इतना कुछ खास वैल्यू नहीं लगता, बट हर ट्रेड पे आपको देना पड़ेगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर। और एक छोटा सा डेमो करके देखते हैं कि एक्चुअल में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे इन सब चार्जेस को मिला के। इस डेमो के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं adigitalblogger.com वेबसाइट का, जो हमारा खुद का ब्लॉग है। स्टॉक मार्केट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, रिव्यू जानने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। खैर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं। इक्विटी इंट्राडे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बाय प्राइस मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, 200 में बेचा और ऐसे 100 शेयर खरीदे बेचे, स्टेट मान लेते हैं गुजरात है। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी वैल्यूज आ जाएंगी, कितने का टर्नओवर रहा आपका, 100 + 200 × 100 = 30,000। ब्रोकरेज मान लीजिए 0.01% माफ कीजिएगा लिया गया आपसे, तो 30 रुपया ब्रोकरेज आपसे लिया गया उस ट्रेड का। उसके अलावा STT चार्जेस हैं जो कि इंट्राडे में 0.025% लगते हैं, जैसे कि पहले बताया आपको सेल साइड में लगते हैं सिर्फ, तो उस हिसाब से 3.90 बना। सेबी टर्नओवर फीस ली जाती है, उसमें 0.0001% लगता है बाइंग एंड सेलिंग दोनों का, ये पर्टिकुलर चार्जेस सेबी के द्वारा लिए जाते हैं। देन यू हैव दी स्टैंप ड्यूटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है, स्टैंप ड्यूटी है 0.002% बाइंग एंड सेलिंग में। एंड देन यू हैव दी ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कि बेसिकली आपसे 0.0031 से लेके 0.0035% तक जा सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। देन GST चार्जेस हैं जो आपके 18% लगते हैं, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस का सम मिला के ये पर्टिकुलर चार्ज बनता है, वो 5.58 बनता है। अगर इनको सम करते हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से 30 रुपीज़ से लेके इन सब का सम करते हैं तो 41.1 बनेगा, उसमें से 30 रुपये तक ब्रोकरेज निकाल दीजिए तो मतलब 11 रुपये 10 पैसे आपसे टैक्सेस लिए गए अलग अलग तरह के, जो कि इस ट्रेड के ऊपर लगे, और आपका टोटल जो ब्रोकरेज टैक्स बना वो 41 रुपये 10 पैसे बना, जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट था उसमें से माइनस किया जाएगा इसको, और फाइनली आपका प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया। ये एक एग्जांपल है, अगर आप यहीं पे मान लीजिए 200 की जगह 120 का बेचते हो, थोड़ा रियलिस्टिक लेके चलें तो ये वैल्यूज उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो आपका ट्रांजैक्शन टैक्स ये सारा का सारा टैक्स मिलाया तो करीब 10 रुपये वो फिर भी बनता है, तो ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आता है, टर्नओवर पे डिपेंडेंट है ये एट द सेम टाइम।
बट आपके सामने है ये सारी वैल्यूज़, और शुरुआत में आपको जो थ्योरेटिकल बताया था ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अभी समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये थे अलग अलग खर्चे जो आपकी हर ट्रेड पे लगते हैं, एक डेमो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आप खुद भी इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखें अलग अलग ब्रोकर के साथ, क्योंकि ब्रोकर टू ब्रोकर ये वैल्यूज वेरी करेंगी। सेम ट्रेड सेम वैल्यूज डालेंगे अलग अलग कैलकुलेटर्स पे तो आपके खर्चे अलग हो सकते हैं, बिकॉज हर ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस, डीपी चार्जेस और बाकी तरह के जो चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कोशिश की है आपको कि सब तरह के हिडन चार्जेस में से पर्दा खोला जाए, आपके सामने रखे जाए वैल्यूज, ताकि आपके पूरी तरह से ये क्लैरिटी हो सके कि मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो आपको कौन से खर्चों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर टैक्सेस ही हैं जो आपको वैसे भी, चाहे आप टूथपेस्ट खरीदें या हवाई जहाज, वो आपको ये पैसे देने ही पड़ते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमेशा की तरह शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।